रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 अप्रैल रविवार के कुंभ और तुला राशि के महाराशि फल के बारे में, कि यह दिन कुंभ और तुला राशि के लिए कैसे रहेंगे, किन चीज़ों से इन्हें बचना है, किन चीज़ों से इन्हें सावधान रहना है, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की जानकारी आपको देंगे। तो अगर आपकी भी राशि कुंभ या तुला है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कुंभ राशि की और उसके बाद हम बात करेंगे तुला राशि वालों की। बात करें अगर कुंभ राशि की तो दोस्तों, ग्रहों के गोचर से आपके जीवन में आज कुछ परिवर्तन आएंगे। इस दौरान अपने ससुराल पक्ष से काफ़ी फायदा आपको मिलने के आसार हैं। काम करते समय थोड़ा आनंद और आराम का मिश्रण करना एक अच्छा विचार आपके लिए हो सकता है। इस राशि के कुछ लोग आगे चलकर प्रॉपर्टी में निवेश की योजना इस दौरान बना सकते हैं और कुछ लोग नया वाहन खरीदने की योजना भी बना सकते हैं। दोस्तों, आज आपका कोई करीबी दोस्त आपसे पैसे उधार मांग सकता है। उधार देने से पहले उनकी विश्वसनीयता को आप अवश्य जान लें। अपनी समस्याओं के बारे में इस दौरान आपको अपने जीवन साथी या घर के किसी बुजुर्ग से बात करनी चाहिए। उन लोगों से मेलजोल बढ़ाने से आप बचें जिनके साथ आपका वक्त खराब होता है। दोस्तों, यह आपके लिए एक औसत समय है और यदि आप सिंगल हैं तो आपको कार्यभार के कारण संभावित भागीदारों के साथ मिलने जुलने का अवसर नहीं मिल पाएगा। कार्य क्षेत्र में भी आपकी स्थिति इस समय पहले से बेहतर हो सकती है। आपको अपने सीनियर से वाहवाही मिलने की भी संभावना है। आज का दिन कुछ अच्छी खबर आपके लिए लेकर आ सकता है। आज आपको दूर स्थानों से भी कोई अच्छी सूचना मिल सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए करियर में स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है। आपको अपनी योजना पर तेजी से काम शुरू करना पड़ सकता है। आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ सकती हैं जो उस समय आपको ठीक नहीं लगे, लेकिन ये आगे चलकर आपको काफ़ी लाभ दिला सकती है। आज आप बिजनेस विस्तार करने की योजना बना सकते हैं। जॉब के मामले में भी सितारों का फेवर आपको मिल सकता है। आज आपका रिश्ता बहुत भावनात्मक रह सकता है। जीवन साथी से अपने मन की बात आप शेयर करें। आज आपको पीठ में खिंचाव या दर्द भी रह सकता है, इसलिए जितना हो सके सावधान रहें। इसी के साथ यह समय आपके अनुकूल रहेगा। आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है। जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा वहां से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। बड़े भाई बहन आपके सहयोग के लिए इस दौरान आगे आएंगे। चंद्र का गोचर आपके लिए कुछ चुनौतियां खड़ी कर सकता है। धन की बचत करने के आप प्लान बनाते नजर आएंगे, लेकिन कोशिशों के बाद भी धन की बचत आप नहीं कर पाएंगे। आपको कागजी कामों को बहुत सावधानी से करने की सलाह दी जाती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप कार्यभार संभालने में तल्लीन रहेंगे और इसीलिए अपने जीवन साथी के साथ कुछ गुणवत्ता वाला समय नहीं बिता पाएंगे। किसी प्रोजेक्ट की वजह से आपको अपनी टीम में कुछ नए लोगों को शामिल करना पड़ सकता है। वही पार्टनरशिप में कारोबार करने वाले लोगों का पार्टनर कुछ नए लोगों को कारोबार में पैसा लगाने के लिए आकर्षित भी कर सकता है। इसकी वजह से आपके काम को स्थिरता मिलेगी। दोस्तों, तनाव को दूर रखने के लिए और अपने शरीर को लचीला बनाने के लिए आपको ध्यान, प्राणायाम और योग व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। आज का दिन आपके लिए उन सभी चीज़ों पर सख्ती से काम करने का है जो आपकी तरक्की या सफलता में बाधा बनती है। कुछ लोग या आदतें ऐसी हो सकती हैं जिनके त्याग करने से आपको सफलता आसानी से मिल सके। आपके लिए चीज़ों के प्रति अपना समर्पण दिखाने का है।
दिन काफ़ी अच्छा गुजरेगा, आपको मानसिक संतोष प्राप्त होगा। आज आप अपने जीवन को बेहतर करने के लिए नई पहल भी कर सकती हैं। आप अपने करियर में उस समर्पण की वजह से आगे बढ़ेंगे जिससे आप प्रेरित रहें। आपका साथी आपके साथ रहने से प्यार करता है। आप दोनों के बीच बहुत अच्छी समझ और मधुरता भरा रिश्ता आज बन सकता है। सेहत के लिहाज से दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज आपका लकी कलर रहेगा केसरी और लकी नंबर रहेगा 3। उपाय के तौर पर भगवान शनिदेव के मंत्रों का जाप करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय शनिदेव अवश्य लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। दोस्तों, अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। बात करें अगर तुला राशि की तो बता दें कि आज आपके व्यवहार में सकारात्मकता देखी जाएगी, जिसके कारण आप अपने काम को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से करेंगे और अपने करीबी और घर वालों के साथ अच्छे से घुल मिल पाएंगे। दोस्तों, बता दें कि परिवार के लोगों से अपनी परेशानियां साझा करके आप आज हल्का महसूस कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप अपने अहम को आगे रखकर घर वालों को ज़रूरी बातें नहीं बताते। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करके परेशानी आपकी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। यदि आप विवाहित हैं तो आप गर्मजोशी बनाए रखने के लिए संघर्ष करेंगे। यदि आप परिवार का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं तो आप और आपके साथी को निर्णय लेने में अधिक समय लग सकता है। अगर आप शांति से अपने कामों को अंजाम देंगे तो वह वक्त पर ज़रूर पूरे हो जाएंगे। भले ही अभी आप घर पर बैठे ही अपना काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी आपके बॉस द्वारा आपके ज़रूरी कामों में आपकी मदद की जाएगी, जिसके कारण आप अपने काम पर पूरी शिद्दत से मन लगा पाएंगे। कमज़ोर इम्यून के कारण आज आप कुछ बीमारियों से पीड़ित हो सकती हैं, इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। आज का दिन आपके लिए कुछ व्यस्तता और समय की कमी वाला हो सकता है। आपको कम समय में अधिक जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ सकती हैं। कुछ लोगों को आज संसाधनों की कमी महसूस हो सकती है। तनाव और थकान से बचने के लिए आज आप किसी के साथ बहस में ना पड़ें। आज कुछ नए अवसरों के मिलने के भी संकेत हैं। परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। आज आपको कुछ व्यावसायिक योजनाओं या यात्राओं को टालना पड़ सकता है। आज जीवन साथी के साथ आपका समय अच्छा गुजरेगा। प्रेमियों के लिए समय सामान्य रह सकता है। आज आपको कंधे में दर्द या गर्दन में खिंचाव रह सकता है, इसलिए अपना ख्याल रखें। आपका आज लकी कलर रहेगा फिरोजी और लकी नंबर रहेगा 7। उपाय के तौर पर भगवान शनिदेव के मंत्रों का जाप करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय शनिदेव अवश्य लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।